बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटी सर्विंग का हमारे पास सवाल है, जिसमें हमें बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ जो है वो प्रेपर करना है, और उसके लिए जो है हमारे पास ये टेबल हमें बनाना होता है BOQ का, जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, और लेंथ, विड्थ, डेप्थ, टोटल, और फिर उसका यूनिट। एक रूम है, उसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये रूम की जैसे हमें डायमेंशन गिवन है 18 बाय 12, तो ये जो होती हैं वॉल तक डायमेंशन होती हैं, यानी वॉल को अंदर की डायमेंशन होती है, इंटरनल डायमेंशन वॉल तक। अब पहला स्टेप हमें क्या करना होगा कि ये जो खड्डा बना हुआ है ये हमें बनाना होगा, मतलब एक अपनी आसानी के लिए जो है रफ़ पेज पे, अगर एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो लास्ट पेज जो होता है उसको रफ़ वर्क के लिए स्पेसिफाइड करके पहले आप ये खड्डा बनाएं, यानी दो हमने ये रेक्टेंगल बना लिए, ये कितने का है 2 फीट का। अब ये कैसे पता चला, ये हमें लीन से पता चलता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सबसे नीचे है लीन, लीन लीन को हम 148 भी कहते हैं, जैसे यहाँ 148 का हुआ है। ये है 2 फीट चौड़ा, 2 फीट चौड़ा खड्डा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने 2 फीट बना लिया, यानी 24 इंचज। ये इसी में हम ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अलग से इसलिए किया ताकि समझने में इजी हो कि पहले हमने ये स्टेप किया उसके बाद का ये स्टेप है, कि उस खड्डे के अंदर हमें वॉल बनानी है। अब वॉल बिल्कुल खड्डे के सेंटर में बनती है, सेंटर में हमने ये वॉल बना ली जिसको मैंने येलो से शो किया हुआ है। अब वॉल कितने की थी, 6 इंचज़ की, यूजली 6 इंचज़ की होती है, और ये हमें यहाँ स्पेसिफाइड भी है हमारी फिगर में, 6 इंचज़ की वॉल है, तो वो अंदर बना लिया। अब खड्डा कितने का था, 2 फीट, यानी 24 इंचज़, तो 24 इंचज़ के बीच में जो है 6 इंचज़ की तो वॉल बन गई, बाकी कितना बचा, 24 माइनस 6 तो 18 बचा, 18 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो गया 9, तो ये 9, इस तरफ भी खड्डा 9 का है, इस तरफ भी 9 का है, क्योंकि वॉल सेंटर में बनी हुई है, तो दोनों साइड से 9 9 का ये खड्डा है। अब वो जो डायमेंशंस रूम की गिवन थी 18 बाय 12, ये वॉल तक की डायमेंशन है। अब इसमें अगर हम देखें 18, ये जो डायमेंशन है यहाँ तक नहीं है बल्कि ये इस वॉल तक है, यानी इसमें ये वाला जो खड्डा है, जो अंदर खड्डा था वॉल के अंदर, अंदर वाली साइड, वो भी इसमें 18 फीट में शामिल है, ये 9 इंच का खड्डा और ये 9 इंच का खड्डा, जो बाद में हम बैकफिल करेंगे, यानी उसको फिर मिट्टी से भर देंगे हम। ये 12 जो है ये भी इस वॉल तक है। अब यहाँ तक ये तो हमारी बात होगी, उसके आगे अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप होता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन लॉन्ग लॉन्ग वॉल साइड और शॉर्ट वॉल साइड, लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल भी इसको हम कहते हैं, या लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड। हम क्या करते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये पूरी जो है ये लॉन्ग वॉल्स हैं और ये जो है ये शॉर्ट वॉल्स हैं, यानी यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन ऐसे एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ से, तो ये पूरा लॉन्ग वॉल साइड हो जाएगा, और ये भी, फिर ये जो बचेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शॉर्ट वॉल साइड होगी। अब इसमें लॉन्ग वॉल साइड में अगर हम देखें, लॉन्ग वॉल हॉरिजॉन्टल पे है, तो हॉरिजॉन्टली हम इसको देखेंगे, ये है 18 और उसमें ये वॉल का 6 और ये वॉल का 6, 6 इंच 6 इंच, यानी 1 फीट, 1 फीट इस 18 में ऐड हो गया, तो ये 19 फीट हो गया, ये 9 इंचज़ और ये वाले 9 इंचज़, मतलब 18 इंचज़, यानी 1.5 फीट, ये 19 बने थे, 19 में 1.5 फीट हमने और ऐड कर लिया, तो लॉन्ग वॉल साइड क्या हुई, 20 फीट 6 इंचज़। इसी तरह शॉर्ट वॉल साइड, अब शॉर्ट वॉल साइड ये है, इसमें अगर हम देखें कि ये यहाँ तक 12 है, और एक बात अगर हम देखें कि हम जब ये लॉन्ग वॉल साइड के लिए खड्डे का कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल था, ये वाले 9 इंचज़ और ये 9 इंचज़ भी शामिल थे, क्योंकि ये हम क्या कर रहे थे, 18, उसमें ये 6 6 इंचज़ वॉल के ऐड किए, फिर ये 9 9 इंचज़ भी ऐड किए, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें ये वाले भी शामिल हैं 9 इंचज़ और ये वाले भी। अब इस ये जो खड्डा निकाल लें, ये 12 कहाँ तक है, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये 9 इंचज़ तो ऑलरेडी हम खड़ा कर चुके हैं जब लॉन्ग वॉल का निकाल रहे थे, तो अब इसमें से हमें माइनस करना होगा 12 में से, तो 12 में से ये 9 इंचज़ भी गया, ये 9 इंचज़ भी, 9 इंचज़ 9 इंचज़, यानी 18 इंचज़, यानी 1.5 फिट, 1.5 फिट इसमें से माइनस हो गया, तो हमारे पास ये शॉर्ट वॉल साइड, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ गई, 10.5 आ गई। ये तो हमने निकाल ली लेंथ्स, और नंबर ऑफ आइटम दो दो इसलिए लिखे कि क्योंकि लॉन्ग साइड भी दो हैं ये वाली, और शॉर्ट भी दो हैं, एक और ये दो। उसके बाद क्या है, लेंथ हमने निकाली, अब विड्थ, विड्थ दो दो फीट है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, और एक्सकेवेशन की हमें विड्थ पता चलती है लीन से, लीन है हमारा 2 फीट, सबसे नीचे जो है ये लीन है।
अब उसके बाद स्टेप के लिए हम अगर देखें तो इसमें हमारी स्टेप्स बनी हुई हैं, ये यानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब उसमें उसमें भी एक जो सीढ़ी है वो है लीन, ये जो नीचे वाली है इसको लीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये लिखा है 148, इसका मतलब लीन कच्चा माल इसमें हमें फिल करना होगा। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल से नीचे है ये वाली स्टेज। अब हम अगर देखें कि ये स्टेज की यहाँ इस फिगर में प्लेन में अगर हम देखें 4 फीट लेंथ गिवन है, लेकिन हम इसकी नीचे वाली जो स्टेज है इसकी हम लेंथ क्या करेंगे, बाकी दोनों की 4 फीट होगी लेकिन इसकी जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि लीन हम थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। जैसे यहाँ भी अगर हम लीन की बात करें, ये लीन है, उसके बाद ये पहली फाउंडेशन यानी फुटिंग, फुटिंग या फाउंडेशन एक ही बात है, फिर दूसरी फुटिंग, फिर तीसरी फुटिंग। तो लीन जो है ये इस जो पहली वाली फुटिंग है उससे ज़्यादा है, ये है 18 इंचेस, तो लीन है 2 फीट यानी 24 इंचेस, यानी 6 इंचेस ज़्यादा है। तो इस यहाँ जब ये फाउंडेशन वगैरह की बात करें तो 6 इंचेस बढ़ाया था, स्टेयर की बात कर रहे हैं तो 1 फीट बढ़ा देंगे, 4 फीट है तो 5 कर दी। ये तो आ गई इसकी लेंथ। इसकी डेप्थ विड्थ क्या आएगी इसकी नीचे वाली स्टेयर की, ये 12 इंचेस, ये 12 इंचेस और ये 6 इंचेस, तो नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 30 इंचेस। तो इस तरह अब यहाँ पे ये जो है ये लेंथ तो 5 आ गई जो हमने डिस्कस किया कि 4 गिवन थी, लेकिन लीन है, लीन को हम थोड़ा बढ़ाते हैं तो हमने 1 फीट बढ़ा दिया। ये 5 इंचेस मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये फीट है, फीट की साइन है। 2 डैशेज हम लगाते हैं इंचेस के लिए और 1 लगाते हैं फीट के लिए। और उसके बाद एक चीज़ और नोट करनी है कि ये यहाँ जैसे मैंने ये फीट में लिखा हुआ है, ये चीज़ फिट में लिखी हुई है और ये दोनों मैंने इंचेस में लिखी हुई है, तो कोशिश करें सारी एक ही यूनिट में लिखें, ये फिट में है तो ये दोनों भी फीट में लिखें, ये इंच में है तो ये भी इंच में लिखें। बहरहाल अगर यहाँ इंच में भी लिख दिया ये दोनों और ये फिट में भी लिख दिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन कैलकुलेटर में फिर इनको उसी यूनिट में पुट करना है, यानी अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों को तो ये फीट में ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 22.5 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 इसलिए कि इसको फिट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 क्योंकि इसको भी फिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारा 5 फिट में था तो सारे यूनिट फिट में आया, ये आंसर भी फिट में आएगा क्यूबिक फीट में, फीट मल्टीप्लाई बाई फीट मल्टीप्लाई बाई फीट क्यूबिक फीट, यूनिट इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर ये डायमेंशन नहीं होती, दो होती तो स्क्वायर फीट। ये हमारी आगे ये हमने कहा कि 30 है विड्थ, लेकिन यहाँ मैंने 22.5 क्यों लिखी हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये थी विड्थ 6 12 12 30, ठीक है, लेकिन अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ अगर हम देखें ये हमारी फुटिंग्स बनी हुई थी, पहली जो थी वो 24 की थी, उसके बाद 18, फिर 12 और फिर 9 की, और 9 की जो थी वो 6 इंचेस ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, 6 इंचेस ग्राउंड लेवल के नीचे और 1.5 फिट, 1.5 फिट का मतलब होता है 18 इंचेस, वो ज़मीन से ऊपर थी ये वाली फुटिंग। अब अगर हम देखें 24 इंच वाली फुटिंग, उसके बाद ये 24 इंच सॉरी लीन है कच्चा माल जो हमने फिल किया, उसके बाद 18 की फुटिंग है पहली, दूसरी वाली जो है 12 की और तीसरी वाली 9 की, इनको हम कोर्स भी कहते हैं, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स। अब 24 में से 18 हुआ यानी 6 इंचेस कम हुए टोटल, तो 3 इंचेस यहाँ कम हुए, 3 इंचेस यहाँ कम हुए, इसी तरह 18 में से 12 हुआ यानी 6 इंचेस कम हुए, अगेन 6 3 यहाँ 3 यहाँ, 12 में से 9 हुआ यानी टोटल 3 इंचेस कम हुए, अब 3 को डिवाइड बाय 2 किया यानी 1.5 1.5 इस तरफ 1.5 इस तरफ, तो अब इनको अगर हम ऐड करें 3 3 1.5, तीनों को ऐड किया तो 7.5 हुआ। अब हमारी स्टेयर यहाँ से शुरू हो रही थी इस फाउंडेशन से जो सबसे ऊपर वाली थी और ये जा रही थी, कितनी थी टोटल स्टेप जो थी ये हमारी लीन वाली 30 थी, 30 का हमें खड्डा करना था, लेकिन हम ऑलरेडी कितना खड्डा कर चुके हैं 7.5। अच्छा तो ये 7.5 का खड्डा तक कब हो गया था, जब हम इनके लिए एक्सकेवेशन कर रहे थे फाउंडेशंस के लिए, वो कैसे हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया इस तरह। तो अब कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा खड्डा, 22.5 का, क्यों, क्योंकि टोटल हमारी स्टेप थी 30 की, उसमें से 7.5 माइनस कर लिया तो 22.5, तो इसी वजह से हमने जो है इसकी विड्थ जो लिखी है स्टेप की वो लिखी है 22.5, और डेप्थ क्या लिखी है 6, डेप्थ हमें गिवन है, ये यहाँ ये डेप्थ है, इस नीचे वाली अगर हम देखें तो 6 इंचज है, इसी तरह ये हो गया। अब उसके बाद आगे का जो है वो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।